हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सुजुकी की हयाते, जिसमें सलमान खान कहते हैं यूं ही नहीं चलाते। तो दोस्तों, ये सुजुकी की एक बाइक है जो कि 110 सीसी वाली है। इसमें अगर बात करें इसके लुक्स वाइज, तो 110 सीसी में बहुत ही अच्छे से आपको इसमें लुक्स वगैरह मिल जाते हैं। दोस्तों, 110 सीसी वाले इंजन में अगर आपको BHP की बात की जाए, तो इसमें मिलती है आपको 8.5 BHP। ये 110 सीसी में थोड़ी कम BHP है, लेकिन इसका जो पिकअप वगैरह है वो चलो ठीक ठाक है। ऐसा 110 सीसी में इससे ज़्यादा पिकअप वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, अगर इसमें कांच वगैरह देखा जाए, तो कांच आपको बहुत ही ठीक ठाक मिलते हैं। ये हैंडल से बाहर निकलते हुए भी नहीं दिखते हैं, और ठीक ठाक पीछे वाला जो एंगल आना चाहिए वो मिल जाता है। इसकी अगर सीट की बात की जाए, तो सीट में दोस्तों वैसे तो 3 जन आप आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन अगर बैठना चाहते हैं तो 4 जन भी इसमें अगर आप बैठाना चाहें तो बैठा सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें आपको यहाँ पर ये जो होना चाहिए ये इसमें है दोस्तों, कि पीछे अगर कोई लेडीज़ बैठती है तो वो मिल जाता है आपको। इन दोनों की बात की जाए, तो ये दोनों फुटपैड भी बहुत ही अच्छे तरीके से कंफर्टेबल हैं। दोस्तों, इसमें अगर स्टैंड की बात की जाए, तो स्टैंड में एक बहुत ही अच्छे से किया है इन्होंने। पहले स्टैंड को यहाँ से एक जोड़ने वाला होता था, वो इतना अच्छे से काम नहीं करता। ये एक टिका होता है, इस वजह से ऐसे नॉर्मल से आप आराम से बाइक को स्टैंड पर लगा सकते हैं। इसकी अगर चैन की बात की जाए, तो दोस्तों चैन पूरा ही कवर हो रखा है ये, लेकिन यूज़ किया इन्होंने प्लास्टिक। अगर ये थोड़ा सा मेटल यूज़ कर लेते तो अच्छा होता, क्योंकि दूसरी कुछ बाइकों में ये मेटल में आता है, या फिर हटा ही दो इसको। बाइक मिलती है दोस्तों आपको इसमें ड्रम ब्रेक वेरिएंट, मतलब आगे भी ड्रम ब्रेक है और पीछे भी ड्रम ब्रेक है, और ना ही कोई ऑप्शनल है कि आप इसमें डिस्क ब्रेक वगैरह लेना चाहते हैं तो मिल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। इंस्टॉलेशन होती है डिस्क ब्रेक की, वो हम कभी अगर वीडियो बनाना पड़ा तो बना के बताएंगे आपको। 100 सीसी में डिस्क ब्रेक है इंस्टॉलेशन। वैसे कि आप सब्सक्राइब कर दो, 1 मिलियन के पास पहुंच जाएंगे तो पक्का आ जाएगा वीडियो। अब इंजन अगर देखें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल सा छोटा सा इंजन मिलता है। तो दोस्तों, इसमें जो इंजन मिलता है आपको, ये आराम से 100 किलोमीटर की राइड आराम से कर लेता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसकी अगर इसकी बात की जाए प्रोटेक्टर की, जो दे रखा है, ये क्वालिटी तो अच्छी है इसकी, 2-3 बार गिरने पर ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। इसकी अगर टैंक की बात की जाए, तो टैंक आपको डायरेक्ट ही मेटल वाला मिलता है, दूसरी जगह पर प्लास्टिक यूज़ कर रखा है। इस प्लास्टिक को कह नहीं सकते दोस्तों इतना मजबूत, लेकिन ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसकी अगर एक्स शोरूम प्राइस की बात की जाए, तो ये दिल्ली में मिल जाती है आपको 56,600 पक्को। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके मीटर की। मीटर में दोस्तों आपको कुछ ज़्यादा नहीं मिलती है इन्फॉर्मेशन, आपको यहाँ पर एक न्यूट्रल वाला साइन आ जाता है। दोस्तों, मीटर में आपको यहाँ पर न्यूट्रल वाला, यहाँ पर ये जो लो बीम हाई बीम वाला है, ये वाला साइन आ जाता है, ये इंडिकेटर्स के बारे में आ जाता है। यहाँ पर आपको स्पीड जो की होती है 0 से 140 तक, यहाँ पर आपको मिलती है फ्यूल वाली। साथ में दोस्तों, चाबी की बात की जाए, तो चाबी आपको ठीक है, नॉर्मल से मिलती है, यहाँ पर सुजुकी की बैचिंग है। दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलता है जो हैंडल, वो एकदम अच्छी तरीके से मैनेज कर रखा दिखता है, क्योंकि ये ना ज़्यादा बड़ा है और ना ही ज़्यादा छोटा है, बाइक के हिसाब से बहुत ही अकॉर्डिंग एकदम सही है। सेल्फ की बात की जाए, तो दोस्तों सेल्फ बहुत ही अच्छे से और क्विक रिस्पांस कर देता है ये, आपके कोई सेल्फ चूकने वाली बात नहीं है। सर्दियों में अगर होगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम, बात अलग है। अब सुन लेते हैं इसका साउंड। दोस्तों, साउंड वैसे इसका अगर देखा जाए, तो 100 सीसी मुकाबले में बहुत ही अलग डिफरेंस का साउंड लगता है। होंडा में साउंड आता है एकदम क्वाइट, बजाज वगैरह में ठीक ठाक आता है, इसका साउंड थोड़ा सा अलग है उनके मुकाबले में अगर देखा जाए तो। दोस्तों, अगर बात की जाए सॉकर की, तो सॉकर मिलता है आपको 7 स्टेप एडजस्टेबल, जैसे कि आप अपनी जो रूटीन है उस हिसाब से जिस सड़क पर आप चलाते हैं उससे सेट कर सकते हैं। ये नॉर्मल सा रिव्यू था दोस्तों, इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो इस प्राइस पॉइंट में ऐसे लुक्स के हिसाब से इस बाइक को थम्स अप है, लेना चाहते हैं तो जा सकते हैं दोस्तों इसके साथ, और प्राइस भी ठीक है। और जो इसके नॉर्मल से देखते हैं बेसिक से यूजेस, उस हिसाब से तो ये आपको अच्छे से यूज हो जाएगी। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the how. Special thanks करेंगे चंद्रपुर काशी का, जो कि यहाँ शोरूम के मैनेजर है, और इन्होंने हमारे लिए जो ये बाइक प्रोवाइड की, इसके लिए भी इनका बहुत बहुत थैंक्यू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप यहाँ से बाइक वगैरह कोई लेना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर जो मिल जाएंगे उससे आप बात कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आके विजिट भी कर सकते हैं, और
देख सकते हैं कौन सी आपके हिसाब से ठीक रहेगी। तो एक बार विजिट करके देख लेना, अगर आपको अच्छी लगे तो यहाँ से आप ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।